हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ रिसर्च। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने रिसर्च मेथोलॉजी के ऐसे 10 टॉपिक्स बताए हैं जिनको पढ़ के आप 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ईजीली। अगर आपने कुछ भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को जाकर देखें और अच्छे मार्क्स स्कोर करें। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ रिसर्च, रिसर्च का मतलब क्या होता है? अगर हम रिसर्च वर्ड को ध्यान से देखें तो इससे हमारे टू वर्ड्स निकलते हैं, री, आर ई री, एंड सर्च। तो हम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि रिसर्च मीन्स सर्च अगेन, किसी चीज़ को दोबारा सर्च करना इज रिसर्च। आगे अब हम इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं छोटी सी। रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक सर्च। जो हमारी रिसर्च होती है वो सिस्टमैटिक और साइंटिफिक सर्च होती है, जिससे हम वेरियस इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाते हैं। हम वेरियस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। तो रिसर्च का मतलब क्या हुआ कि एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक सर्च, जिससे हम अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन, जानकारी इकट्ठा करते हैं किसी एक टॉपिक के बारे में। तो वो क्या हो गया? रिसर्च हो गया। किसी एक टॉपिक के बारे में साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरीके से जानकारी इकट्ठी करना इज रिसर्च। ठीक है, इट इज़ अ सिस्टमाइज एफर्ट टू गेन नॉलेज। नॉलेज बढ़ाने के लिए जो हम सिस्टमाइज एफर्ट्स करते हैं वो है हमारी रिसर्च। ये हमारा पूरा ओवरऑल एक रिसर्च का मीनिंग कवर हो गया। अगर आप रिसर्च के मीनिंग में ऐसे पॉइंट वाइज इतना लिख देते हैं तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के करेक्टरिस्टिक्स, नेचर्स या फीचर्स कुछ भी आ जाए तो आपने यही पॉइंट्स लिखने हैं। रिसर्च इज हाईली पर्पसिव, मतलब रिसर्च हाईली पर्पसिव होता है। रिसर्च बिना पर्पस के हम नहीं कर सकते। रिसर्च करने का हमारे पास पहले से कोई पर्पस होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं। सेकंड है, रिसर्च इज सिस्टमैटिक प्रोसेस। जो रिसर्च है वो सिस्टमैटिक प्रोसेस है। हमारे पास पूरा एक प्लान होना चाहिए कि पहले हम ये करेंगे, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप। ऐसे नहीं कि कभी भी कुछ भी कर लिया, इट शुड बी सिस्टमैटिक। थर्ड इज, रिसर्च रिक्वायर पेशेंस एंड करेज। रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है, साइंटिस्ट को 10-10 साल लग जाते हैं रिसर्च करने के में। इसीलिए रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास पेशेंस और करेज, हिम्मत होनी चाहिए रिसर्च करने की, साहस होना चाहिए, और पेशेंस मतलब सहनशीलता होनी चाहिए रिसर्च करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव, रिसर्च इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। रिसर्च करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, ये तो हमें पता है, बट ऑब्जर्वेशन आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। ऑब्जर्वेशंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हम लोग जो भी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं वो भी हमारे रिसर्च का ही पार्ट होते हैं। इन द लास्ट वी हैव, रिसर्च इज डायरेक्टेड टुवर्ड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। हम रिसर्च तभी करते हैं जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम हो या हमने कुछ नया इन्वेंट करना हो। बिना मतलब पे रिसर्च हम नहीं कर सकते। वी शुड हैव सम पर्पस, कि कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन के लिए। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो पहले मैचस्टिक का इन्वेंशन कैसे हुआ? पहले स्टोन्स होते थे, स्टोन्स को रगड़ रगड़ के आग निकालते थे, वो बहुत प्रॉब्लमैटिक था, बहुत टाइम लगता था। तो किसका इन्वेंशन हुआ? मैचस्टिक का इन्वेंशन हुआ। तो ये भी एक रिसर्च थी, पहले रिसर्च हुई फिर इन्वेंशन हुआ। ठीक है, सो वी आर डन विद आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।